इसको क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों चालू हो गया? बॉब न्यूक्लियर को देखो, जैसे छोटे बच्चे खुश होते वैसे ही हो रहा है। ये बॉब का बच्चा किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरे को तो पता ही है ना चौब। और वैसे भी तुम लोग बोल का रहे हो और ये स्टॉप ही स्टॉप क्यों नहीं हो रही भी? तुमने तो प्ले ही मार दिया। प्ले ही हो या स्टॉप ही हो, मैं कुछ भी कर सकता। और तुम लोग खंबे पे क्यों चढ़ गए? कौवे बन गए आज? हाँ, तेरे सर पे हगने का प्लान था। घोड़े कही के तेरे से यही उम्मीद थी, हगने के अलावा और कुछ चाहते ही नहीं। इसको सुबह सुबह कितनी गंदी बातें कर रहा है, मेरे को बोलता और खुद बाइक उल्टी चला रहा है। न्यूक्लियर आज क्या करने वाली हो? यार मैं सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत दिन से हम लोगों ने कुछ चीज नहीं करी। बर्गर नहीं खाया? अबे नहीं भुक्कड़, मैं बर्गर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सुपर कार की चोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियर तुम ठीक तो? लगता है टपक गया। नहीं है घोड़े, जिंदा हूँ। तुम लोग को क्या लगता है मेरे जैसा प्रोफेशनल ड्रिफ्टर इतनी आराम से नीचे गिर के मर जाएगा है? और नहीं तो क्या? जब लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो तो करके गोल। तुम चिकेदा चिकेदा नहीं 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 मत मार, माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे। इस घोचू को लगता है कि खंभे पे बैठने से शेर से बच जाएगा। ये बिल्ली हो क्या? अपने आप को शेर क्यों बोल रहा है? बिल्ली तो तू है। अरे लग गई रे पोते, आउच। लगता है बिल्ली हड्डी टूट गई, अब क्या करूँ? कोई नहीं गाइस, हम लोग को टेंशन नहीं लेने का, हम लोग प्रोफेशनल पैराशूट डाइवर है और डाइवर भी। सीधा पूल पे लैंड करेंगे एकदम मस्त स्पाइडरमैन वाला डाइव मारते हुए। और ये अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। बकवास बंद करके वीडियो चालू करना। कर रहा हूँ बाय। तुमको क्या लगता है मैं वीडियो स्टार्ट नहीं करूंगा? बट उससे पहले थोड़ा स्विमिंग कर लेते गाइस। और स्विमिंग करने के बाद हम लोग को गाड़ी मांगता है, क्योंकि गाड़ी चुराने के लिए आप लोग के पास गाड़ी होना जरूरी है। और ये चीज मेरे बीच में कैसे आ गई? मेरा प्लेयर इसके नीचे से नहीं जा सकता क्या? क्या है, क्या लॉजिक है? अरे भाई क्या किस्मत है, सीधा लाल लाल गाड़ी के सामने टपके। मेरे को तो इस गाड़ी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब क्या करे बेचारी लाल गाड़ी इन द चैट बॉयज। अरे यार तुम बिना ऐसे बोलो जैसे मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आ रही भाई। एकदम प्रो है भाई, देखो क्या लैंडिंग करी। व्हाट्सअप मैडम व्हाट्सअप। इस शहर में नमूनों की कमी नहीं है। ओके तो गाइस हम लोग अपनी पहली मैक्लेरन के लोकेशन पे आ गए। और हम लोग को थोड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ेगा, अगर ज्यादा आवाजें करेंगे तो सबको पता चल जाएगा ना। एक तो हेवी ड्राइवर बन गए और ऊपर से लाल गाड़ी है। देखो तुम्हें बस कूल एक्ट करना पड़ता है, और मैं तो पैदा ही कूल हुआ था। और किसी ने कुछ नहीं डाला, तू गलत चला रहा है। शांत रहे, हम लोग लोकेशन पे आ गए। गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पर एकदम कवर में जाके स्कोपिंग करके देखते। लेकिन यार गन भूल गया। अरे करीब को ठोकता है बेशरम, तेरे घर पे दीमक पड़े। इतना चमकता हुआ ब्लू कलर का, तेरे को आउटफिट नहीं दिखता अंधे कहीं के? न्यूक्लियर ने तो एक लात से गाड़ी तोड़ दी। और गाड़ी ने न्यूक्लियर को? गरीब आदमी के ऊपर से चले गया। कोई नहीं गाइस, इसे माफ कर देता हूँ मैं आज। अब जल्दी से जाके मैं अपने गन ले लेता हूँ। दोस्तों देखो तो सही, क्वाड्रिलियनर होके अपने आप को गरीब बोल रहा है। पता नहीं यार चौप, क्वाड्रिलियनर होने के बाद भी गरीबों वाली फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों। और अंकल ध्यान से चले, यहाँ पर लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती। इससे अच्छा वो गाड़ी से ठुक जाता। लगता है एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो गार्ड है। चलो कोई नहीं गाइस, मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो थोड़ा प्लान चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल आराम से जाएंगे, एकदम नॉर्मली गाड़ी चलाएंगे। मैं तो यहीं पर रहता हूँ, मेरा घर यहीं पर है। लेकिन ये क्या है? रास्ता मिल गया। घुसेगा कैसे? तेरी तोंद बीच में आ जाएगी। तूने मेरे को अपने आप जैसा समझ रखा है क्या ब्रो? फ्रो चोरियर क्या समझ रखा है मेरे को तूने? और ये क्या चीज है भाई? आई थिंक दिस इज अ टॉय। पर ये देखने में तो मैक्लेरेन ही लग रही है। ये मैक्लेरेन वालों ने लेगो के साथ कुछ कोलैबोरेशन कराया क्या? फ्री फायर और बीजमी का तो पता था, बट लेगो के साथ कब हुआ? अरे हाँ, और मैक्लेरेन ही है, देख। चला के देखना। चला तो लूंगा, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं यार। अजीब सी गाड़ी लग रही है, इसको हम कैसे चलाएंगे? वो छोड़ो, हम लोग इसके अंदर बैठने कैसे वाले है? ठीक है, इसका जवाब मेरे को मिल गया है। अंदर से तो ये, अरे वाह, अंदर से तो ये लंबोर्गिनी टर्जो लग रही है। हाँ बिल्कुल सही बोला तूने यार, लंबोर्गिनी टर्जो को भी एकदम ऐसी फ्यूचरिस्टिक लुक जैसा होता है ना। चलिए दोस्तों जल्दी से गाड़ी को यहाँ से भगा के ले चलते हैं। इसकी आवाज तो बहुत सॉलिड है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लेगो की गाड़ी है। इस गाड़ी का एक फायदा है। और वो क्या है? अगर न्यूक्लियर इसको तोड़ देगा तो वापस जोड़ सकते हैं। हम ओपी ड्राइवर है रे, नूब लोग की तरह गाड़ी नहीं ठोकते। और गाइस इसकी लाइट भी तो देखो कितनी कमाल की है। मेरे कल क्या बात है? लगता है कि हम लोग सेकंड गाड़ी के लोकेशन पे सीधा टेलीपोर्ट हो गए। और सर आपने मेरे को ठोकने की हिम्मत करी है? बट कोई नहीं, रहने देते हैं। ये भाई
ज्यादा कमाल की लग रही है, मैं बाइक चलाएगा। अब हम करेंगे स्टंट। मतलब जो भी मुंह में आ रहा है तो। ये तो चुप बैटरी, मेरे को स्टंट करने का। ये देखो गाइस, उछल के स्टंट मारेंगे और ये वापस उछल के नीचे करेंगे और ये, अरे बाप रे, ये क्या हो गया रे, मारियो जंप मार दिया हम लोगों ने। ये तो सही में मिरेकल हो गया। और नहीं तो क्या। और गाइस लगता है कि हम लोग लोकेशन पे आ गए हैं, आप लोग देख सकते हो फ्रिज के सारे लोग हैं। और अरे बाप रे गाइस, आप लोग को देख के लग रहा होगा कि मैं नीचे गिरा, लेकिन नहीं, मैं तो एक्चुअली बाइक पार्क कर रहा था। आप लोग देख सकते हो कितनी ओपी पार्किंग थी, बस सर पे थोड़ी सी चोट लग गई। पहले से सर खराब है, अब तो और पागल हो जाओगे तुम। ऐसे कैसे, मैं पागल हो ही नहीं सकता, मैं पागल प्रूफ हूँ। तू पागल प्रूफ इसलिए क्योंकि तू पहले से ही पागल है। ए गधी तू शांत रह रही। ये देखो गाइस, आप लोग देख सकते हो, ये तो पूरा मेला लगा हुआ है। देख के तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर ड्रैग रेसिंग हो रही है। बाप रे, ये सिक्योरिटी है पता नहीं क्या हो, आगे पुलिस भी है तो थोड़ा केयरफुल जाना पड़ेगा। तुमने कभी ड्रैग रेस करा है क्या? एक्चुअली घुसने की कोशिश तो करी थी, बट अब तुम लोग तो जानते हो कि मैं कितना बड़ा फ्रो हूँ, तो मेरे को ये लोग रेस करने ही नहीं देते। रेस नहीं करने देते, शक्ल देख के भगा देते हैं। तेरे से तो लाख करोड़ अरब गुना अच्छी हो रही है, हो क्या रहा है मैजिक? ये आंटी लोग हवा में उड़ कैसे रही है, कैसे बैठी है, ये कौन सा स्किल है भाई? लगता है ये लोग स्टैचू बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन महाशय को तो देखो, यहाँ पर ये गिटार बजा रहे, बिना गिटार के क्या कर रहे हैं ये? ओह गाइस, आज कैसे लोग मिल रहे हैं यार, फुल कॉमेडी बाजी चल रही है यहाँ पर। और ये क्या बे, मेला लगा रखे इन लोगों ने। ये ब्लू कलर की गाड़ी देखने में अच्छी तो लग रही है, लेकिन हम लोग मैक्लेरन के लिए आए हैं। और ये क्या बे, डीजे वाली ट्रक, डीजे वालों को गिफ्ट कर दे। अबे इनके पास फास्ट एंड फ्यूरियस वाली भी गाड़ी है, क्या हो रहा है, ये खतरनाक ड्रैग रेस है ये। गाइस अब तो मेरे को भी पार्टिसिपेट करने का मन कर रहा है, लेकिन आप लोग तो जानते हो कि मिशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन गाड़िया। गलती से गाड़िया बोल दिया था, मेरा मतलब ड्रैग रेस। और गाइस ये क्या है, टर्बो देख रहे हो इस चीज का, लगता है इसने भी वॉशिंग मशीन फिट कर रखी है। वैसे देख के तो सूटकेस लग रहा है, लेकिन आप पूछते होगा, और ये देख भाई इतनी मेहनत से काम कर रहा है तो शायद से ये खतरनाक ही बूस्ट होगा। ओ भाई यहाँ पर तो एम्बुलेंस भी लगा रखा है पहले से, और ये पुलिस वाली गाड़िया भी है, पीएम बबलू वाली वो भी। और यहाँ पर भी देखो ये लोग कौन सा मैजिक यूज कर रहे हैं, हवा में ऐसे कैसे बैठ सकते हो। फोटोशूट चल रही है, इंस्टाग्राम के लिए फोटो ले ले। ओ आज सूरज धरती के अंदर से निकला था क्या, बॉब ने इतना अच्छा आइडिया दे दिया। आइए अबे ये क्या गलत जगह कैमरा खोल दिया मैंने, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे इन चूमों के साथ फोटो नहीं खिंचवानी, मेरे को गाड़ी चाहिए। हाँ ये वाली गाड़ी गाइस, से चीज। ओ भाई कितना हैंडसम लग रहा है यार इसमें। गाइस आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, ये वाली फोटो पोस्ट कर दूंगा ऊपर। लेकिन हमें तो मैक्लेरन मिली ही नहीं। हाँ यार मैं भी वही सोच रहा था, पता नहीं इन लोगों ने शायद वेयर हाउस के अंदर छुपा रखा है, पीछे जाके देखेंगे। और इन मैडम जी को क्या, ये हवा में कैसे उड़ रही है? ओ कुछ तो दिखा, कुछ तो दिखा, ये मेरे को लग रही है मैक्लेरन टाइप ही है, और शायद हाँ ये मैक्लेरन ही है। अरे वे देखो तो सही, इसका कलर भी कितना अच्छा है, आराम से निकालना। यस माय फ्रेंड, इतनी अच्छी गाड़ी है और मैं चाहता नहीं हूँ कि इसमें स्क्रेचेस पड़ी है, तो कई सारा मरम से करना होगी। ओके तो आगे हो गई, गाड़ी लैंड हो गई, हम भी बाहर लैंड होती है। आइए देखो तो गाइस कितनी कमाल किया, आप लोग नीचे रेट करके बताओ मेरे को ये कितने स्टार्स दोगे इसको। यार इसका स्पॉइलर भी कितना कमाल का है। ये स्पॉइलर नहीं पंख है, हमें वैसे भी पंखों की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि हम लोग उड़ने वाले। और ये यार नीचे देख लाइट भी है रेड कलर की, कितनी मस्त लग रही है। तो चलो गाइस जल्दी से ऐसे निकलते हैं। और अबे मेरे को तो लगा था कि वो इनविजिबल वाली चीज के ऊपर बैठा है, लेकिन वहां पर कुछ था भाई, इन लोगों ने इनविजिबल पेंट कर दिया। और यार ये कितनी तेज है, इसका एक्सेलरेशन इतना ज्यादा है कि ये ड्रिफ्ट मार रही है। रुक जाना, रुको गाइस इसकी स्पीड यहाँ टेस्ट करने वाले, आ जाओ चलते। और ओ माय गॉड यार कितनी तेज है ये, उतनी फास्ट गाड़ी चलाने के बाद इसको चलाने में कितना अच्छा लग रहा है गाइस, एकदम आराम आराम से चलेंगे, उसमें तो सही में फटी गई थी मेरी। और भाई साहब आपको दिखता नहीं है कि यार इतनी बड़ी स्कूटी है, येलो कलर की टोपी है, पैसा गिरा रहे, आओ उठा लेते हैं पैसा। गलती उसकी नहीं तेरी थी, मैं तो भाई बिल्कुल बढ़िया चला रहा था, सारी ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा था। गाइस आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ यार, है ना सही चला रहा था यार एकदम मैं बढ़िया। ये देखो वापस से लोग आ गए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों चुल मची इतनी। आई गेस यही अपना लोकेशन है। और ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा, बहुत अच्छा स्टंट था। अब मैं बड़े बड़े स्टंट मारता हूँ, तुम लोग को तो पता ही है। और ये क्या हो गया, यहाँ पर पानी ऐसा कैसे है, ये कौन सी जगह पे आ गया। यहाँ पर तो जादू रखा है गाइस, हमें बिल्कुल केयरफुली जाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है ये बिल्कुल खतरनाक जगह है। और ये मेरे प्लेयर को क्या हो गया, कहाँ उड़ रहे। तुम्हें नया पीसी लेना चाहिए। पीसी तो ले लिया, लेकिन ग्राफिक कार्ड नहीं खरीद पाया क्योंकि ग्राफिक कार्ड के प्राइस ज्यादा। और गाइस यहाँ पर हम लोग को लीप ऑफ फेथ मारना पड़ेगा, आ जाओ चलते हैं लेट्स गो। अच्छा वो टोपी पहन ली थी, सर बच गया। ओ माय गॉड जिला, ये घर तो अंदर से देखने में बड़ा कमाल का लग रहा है। ये देखो गाइस टीवी है और ये आगे, ओ टकलू बच के रहना होगा, ये यही पर है। लगता है कि कुछ काम वाम कर रहा है भाई, ट्रिपल मॉनिटर सेटअप है, लॉन्डे के पास मारना पड़ेगा, बड़ा कमाल का है। और यहाँ पर पता नहीं क्या आर्ट पीसेस लगा रखे है। और ये पेंटिंग हवा में कैसे उड़ रही है, और ये आईपीएल की ट्रॉफी है क्या, देखने में तो थोड़ी वैसी लग रही है। गाइस अब आप लोग ही मेरे को बताना ये पता नहीं कहाँ से लेकर आ गया, बट हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा मेन फोकस है गाड़ी। और यहाँ पर आगे क्लॉक है,
गाड़ी कहाँ होगी, मैंने कहीं तो देखा था। एंड सॉरी गाइस अगर मेरा गेम लैग कर रहा है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना यार, मैंने जैसे पहले बोला था जीपीयू नहीं है इतना अच्छा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ बर्गर खा लेते हैं तब तक हम लोग। अकेले अकेले बर्गर खा रहा है, कैसा आदमी है। देख भी आ रहे यार, यहाँ पर शीशा था, मेरे को लगा कि हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, कैसा अजीब सा घर है ये। रो मत भाई, आते आते तेल भी लेकर आ जाऊंगा। ओह माय गॉड, ट्रू लव न्यूक्लियर, इतना अच्छा कैसे हो गया। बाप रे बाप, तो इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया कि सही से आवाज भी नहीं निकल रही उसकी। और गाइस यहाँ पर देखने में यार मैक्लेरेन तो नहीं है ये भी नहीं है, और ये आगे वाली भी नहीं है, और उसकी बाजू वाली भी नहीं है। व्हाट, तुम गलत घर पे तो नहीं आ गए? शॉप के तुम भूल गए, मैं एक प्रोफेशनल चोर हूं, अपनी जिंदगी मैंने कभी भी गलती नहीं करी। अच्छी गाड़ी होगी यार, ऊपर कहीं रखा होगा, ऊपर जाके देख लेते एक बार। ये अरे यार चिंदी फ्रैंकलिन, ऊपर चढ़ना क्या प्रॉब्लम है? रुको एक काम करते, सीढ़ियां ही ले लेते, ऐसे नहीं चढ़ने वाला। अपने प्लेयर को भी अपने जैसा बंदर समझ रखा है क्या यार? बिल्कुल बेसिक पार्कोर स्किल्स तो होनी चाहिए ना यार, ऐसे कैसे होता है यार। और यहाँ पर देखो यार कितनी पेंटिंग है यार, और मैं इतना यार क्यों बोल रहा हूँ मेरे यार। ओ यूएफओ वाली फोटो यार, ये तो बड़ी गजब है, एक सेल्फी ले लेते हैं। कौन सा चोर चोरी के बीच में सेल्फी लेता है? वो हमारे प्रोफेशनल चोर। अरे बीडू एकदम स्टाइल में चोरी करने गए रे। चलो अब सब बोलो चीज। पीछे कौन है भी? ये तो वही टकला है ना जो भी पीसी पे बैठा था, ये फोटोज क्यों ले रहा है? ओ क्या बात है, ये फोटो भी बड़ी मस्त है। ये गाइस देख रहे हो कितना हैंडसम लग रहा है, और ऊपर से मेरी येलो कलर की टोपी। अबे जल्दी भाग वहां से। अरे रुकना ब्रो, मेरी फोटो सेव हो रही है, लगता है कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं कि मेरा फोन भी बौखला गया। ओके तो सेव हो गई फोटो, और गाइस आ जाओ चलते हैं। और यहां पर मैं अटक क्यों गया भाई, ये क्या है? एक तो यार ऊपर चढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है, कैसी अजीब सी सीढ़ियां है यार, मेरे को समझ गई। देखो वापस से यहां पर अटक गई, क्या हो यार, कैसा चोर है, सीढ़ियां चढ़नी भी नहीं आती। ये देखो वापस साइड में चले गया फ्रैंकलिन, तेरे को क्या हो गया अभी? सही सही चढ़ना क्या है, इतना इजी तो है, इस पे भी पागल हो रखा है ये। चलो एटलीस्ट फाइनल हम लोग छत पे तो पहुंचे, और बाप रे ये छत भी आधी गायब हो रखी। और इतना खतरनाक हेलीकॉप्टर वो भी मिल रही वाला। रुको गाइस इस पे जल्दी से स्टिकी बम लगा देते, अगर इसको पता चल जाएगा ना कि हमने इसकी गाड़ी चोरी कर ली तो यार यही हेलीकॉप्टर लेके आएगा। लेकिन ये गाड़ी है कहाँ? हाँ जॉब, गुड क्वेश्चन, मेरे को यहाँ पर हेलीकॉप्टर तो दिख गया लेकिन अपनी प्यारी गाड़ी, ओके गाड़ी यही पर है, मेरा मतलब अरे गाड़ी यही पर है। वाह कितनी अच्छी लग रही है यार देखने में, इसके पहिए देखो, इसका कलर देखो, इसका डिजाइन देखो, बाप रे ये गाड़ी तो फ्यूचर वाली लग रही है। यस यू आर राइट माय फ्रेंड, अगर बाहर से इतनी कमाल की है तो अंदर से कैसी होगी। ओ माय गॉड गाइस, मैंने अब तक बहुत सारी गाड़ियां चला रखी, आप जो नाम लोगे मैंने वो गाड़ी चलाई, और मैंने इतना अच्छा इंटीरियर कभी भी नहीं देखा। अंदर से तो ये बिल्कुल स्पेस शटल लग रहा है यार, इतना स्पेस है मैं क्या बोलूं। और ये स्टिकी बम का कुछ असर नहीं हुआ, हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा रे। दोस्तों सर्विस गाड़ी की रेटिंग दो। आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा होगा जिसको ये गाड़ी पसंद नहीं आएगी। सेम यार कितनी कमाल की, कितने यूनिक डिजाइन है इसका, इतना गजब इंटीरियर है कि मैं क्या बोलूं। लुक एट द स्पीडोमीटर, लुक एट दैट, लुक एट एवरीथिंग। और ये गाड़ी थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही, कुछ ज्यादा स्पीड है, स्केयर है, रुक जाती नहीं मैं इसकी पूछ। पूछ को छोड़ो गाइस, अभी हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। अरे बाप रे मार दिया रे, ये जगह कब आई? मैं भी वही सोच रहा था यार, ये नया शोरूम बना है ना, पहले तो नहीं था यहाँ पर। ये अपनी गाड़ी को अंदर डाल सकते हैं क्या अपन लोग, एक बार ट्राई कर। अभी खुल भी गया व्हाट? आइए अब हम करेंगे आराम से पार्किंग। और ये जगह इतनी खाली खाली क्यों लग रही है? शोरूम तो आ गया लेकिन गाड़ियां नहीं आई। अरे ये गाड़ी का शोरूम ही है ना, कोई टेलरिंग वाली मशीन तो नहीं है? किसे पता अपने बबलू भाई ने कोई नई दुकान खोल ली। वैसे देख के तो यार गाइस मेरे को ये गाड़ी का शोरूम ही लग रहा है, आप लोग देख सकते हो इतनी सारी इंजन है यहाँ पर। सही में कुछ ज्यादा ही इंजन है यार, खुले में देखो तो सही कैसे लटक रहे हैं। और इस चीज को तो देख के मेरे को लैपटॉप कूलर की याद आ रही है, भाई क्या क्या चीज है यहाँ पर। अरे भाई यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है, अरे स्कैम हो गया क्या मेरे साथ, खाली खाली लग रहा है। ये देखो आगे पूरा खाली है। तेरे खबरी तो धोखेबाज निकले। हो ही नहीं सकता, मेरे खबरी पूरी दुनिया में बेस्ट है, वो मेरे को फेक न्यूज दे ही नहीं सकते यार, यही कहीं होना चाहिए। और आई थिंक मैंने उस चीज को देख लिया, ये सही में मैक्लेरेन है क्या गाइस? इतनी कूल, देखो तो सही, ये तो सही में मैक्लेरेन है। अरे बाप रे मैक्लेरेन F1, ओके तो ये फॉर्मूला 1 कार है, बट यार देखने में तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लग रही है। आज की ऑलमोस्ट सारी गाड़ी फ्यूचरिस्टिक थी, बट अभी क्वेश्चन वही है कि हम लोग इस गाड़ी में कैसे बैठने वाले हैं। ओके टेलीपोर्ट करने वाले गाइस, देखो जो फ्यूचर वाली गाड़ियां होती है ना उसमें आप लोग नॉर्मली नहीं बैठते, सीधा टेलीपोर्ट करते हो। चलो अब इसे आराम से बाहर निकालते। और यार सही में कितनी ज्यादा कूल है, और ये कुछ ज्यादा ही लंबी है, इसे थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा गाइस। आराम से, और वो भी तू, मजाक कर रहा है क्या यार? ऐसे बेइज्जती मत करो रे, अपन फ्रू ड्राइवर है, देखो इतना मस्त मक्खन की तरह चलेगा अभी। पानी आ गया रे, बच गए। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर देना।